नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि तीसरे भाव का स्वामी अगर आठवें भाव में चला जाए, और दो एग्जांपल इसमें ले लेंगे, अलग अलग नक्षत्रों में हो तो उसके क्या रिजल्ट होंगे। तो यहाँ पर लग्न मेष लेंगे, तीसरे भाव का स्वामी अगर लग्न मेष होगा तो आप समझ सकते हैं बुध होगा, और आठवें भाव स्कॉर्पियो में चला जाएगा वृश्चिक में तो क्या रिजल्ट होगा। वृश्चिक में आप जानते हैं तीन नक्षत्र होते हैं, गुरु शनि और बुध। इस समय मैं गुरु और शनि के नक्षत्रों को आपको दिखाऊंगा, बुध का नक्षत्र आप घर में खुद चेक करेंगे, देखेंगे बड़ा मजा आएगा। तो ये उदाहरण पहला लेते हैं 11 नवंबर 70, और ये देखिए लगन की डिग्री 14 डिग्री 15 मिनट, मेष एरीज, बुध की डिग्री देखिए 4 डिग्री 12 मिनट वृश्चिक, और दूसरा 9 नवंबर 1970 दिल्ली का फर्क है 14 डिग्री के करीब, वही लगन वही है, डिग्री वही है लगन की। आप देखें कि वापस पहले एग्जाम्पल के ऊपर, इसमें बुध शनि के नक्षत्र में है, तो इसमें देखते हैं बुध के क्या रिजल्ट है। अब बुध को देखिए, बुध के क्या रिजल्ट है, बुध तीसरे और छठे कमाने के सातवें भाव में बैठा है, और शनि जो है पहले घर में बैठा है दसवें और ग्यारहवें कमाने का, एक दस का। तो अब ये बुध के क्या रिजल्ट होंगे, हम आसानी से समझ सकते हैं कि बुध 6 1 6 10 इसका मतलब ये विवाह के लिए नेगेटिव है, और 7 11 2 इसमें घर अच्छे हैं और 3 बुरे हैं, इसका मतलब बुध जो है विवाह के लिए बहुत कमजोर है। हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन के कॉम्बिनेशन यहाँ नहीं आ रहे, 3 11 फिर भी बोलने चालने में बहुत वाकपट कराएगी, 1 10 11 1 6 10 11 इसका मतलब पॉलिटिकल या राजनीतिक व्यक्ति हो सकता है। लेवल की बात करें यात्रा की, यात्रा कोई इसमें नजर नहीं आ रही, उप नक्षत्र के लेवल तक भी हम देख सकते हैं, लेकिन आज इस बात को नक्षत्र तक ही देख सकेंगे कि ये राजनीतिक व्यक्ति होगा, विवाह होने में समस्या रहेगी, विवाह में लिखोगे बुध कमजोर है, बुध के पीरियड में विवाह होना मुश्किल है, विवाह जीवन इतना अच्छा नहीं रहेगा, बुध में अलगाव रहेगा, दूरी लंबी दूरी की यात्रा इसमें नहीं बताई जा रही, लेकिन नाम बहुत होगा क्योंकि 10 11 भाव है, 3 11 भाव भी है, तो न्यूज पेपर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छाए रहेंगे। अब दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं कि गुरु के नक्षत्र में है बुध, अब बुध तो 3 6 और 7 के रिजल्ट देता है, और गुरु जो यहाँ पर दे रहा है सातवें भाव में बैठा है, 9 और 12 के रिजल्ट दे रहा है, तो अब ये 7 9 12 भाव हो गए। तो अब इसमें देखते हैं 3 9 12, तो ये व्यक्ति जो होगा जो गुरु के नक्षत्र में बुध है, जिसके तो बुध का पीरियड आएगा तो लंबी दूरी की यात्रा बता रहे, लेकिन काम धंधे की बात करें तो नेगेटिव है, 3 6 12 है तो पढ़ाई में इच्छा नहीं रहेगी, प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस की बात करें, सफलता की बात करें तो सफलता बिल्कुल नहीं है, तो ना तो पढ़ाई के लिए अच्छा है ना काम धंधे के लिए अच्छा है, सिर्फ ये लंबी दूरी की यात्रा बता रहा, सिर्फ यही चीज बढ़िया। और इसको देखते हैं तो ये पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बाकी सब चीजों में विवाह को छोड़ के बढ़िया, और इसको भी देखते हैं तो विवाह के लिए बेहतर है, कोई 7 और 7 भाव है, ये बुध जो है विवाह के लिए बेहतर। तो दोस्तों देखिए, आप तीसरे भाव का स्वामी आठवें में चला जाए लेकिन अलग नक्षत्रों में होगा तो रिजल्ट अलग होगा, और आप उप नक्षत्र लेवल तक चले जाएंगे तो रिजल्ट आपको और बढ़िया आएंगे। अब ये देखिए नीचे 1 6 8 2 6 8 12, तो ये बुध तो बिल्कुल गड़बड़ा है, और इस बुध को देखेंगे उप नक्षत्र 1 10 11, तो ये बहुत बढ़िया, वही तीसरे भाव का स्वामी आठवें में एक बहुत बढ़िया और एक बिल्कुल खराब सत्यानाश। तो दोस्तों ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि तीसरे भाव का स्वामी आठवें भाव में जाएगा तो क्या, आपको सिर्फ ये है कि ये हाउस सिग्नल में दिखने चाहिए, आपको 1 से 12 भाव के बारे में जानकारी है, सिर्फ उसी को बोल देंगे जो जो वही काम हो जाएगा, और अगर नाड़ी ज्योतिष के आप कॉम्बिनेशन फॉर्मुलेशन को याद करेंगे आप जाएंगे देखेंगे कि आप सटीक भविष्यवाणी कर पाएंगे, आपको समस्या और काम करने में तो आप जरूर मुझे लिखें, कोई सजेशन है सुझाव हो तो वो भी जरूर लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द इस पर। धन्यवाद।